हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एक एग्जाम ट्रैपर यूट्यूब चैनल। देखिए, यहाँ पे आज जो बिहार दरोगा का पेपर हुआ है फर्स्ट शिफ्ट का, उसको लीक होने की यहाँ पे बात सामने आई है और काफ़ी स्टूडेंट्स का कहना है कि जो पेपर है वो लीक हुआ है। काफ़ी स्टूडेंट्स पूछ भी रहे हैं कि क्या सच में लीक हुआ है, तो वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। क्या लेटेस्ट अपडेट है इसके बारे में, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे कि क्या वाकई पेपर लीक हुआ है या फिर जो है ये एक अफवाह है। ठीक है, तो इसकी लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रहे हैं। एक बार पहले ये फोटो देख सकते हैं आप। अभी हुआ क्या है, जो ये लीक होने की जो सूचना है वो आरा से आई है। ठीक है, जो आरा में जो परीक्षा केंद्र था वहाँ से ये लीक होने की जो है बात सामने आई है। हुआ क्या है, यहाँ पे देखिए, जो परीक्षार्थी थे उन्होंने ही जो है यहाँ पे हंगामा किया था और बताया है कि पेपर जो है लीक हुआ है। उसके बाद में जो अब जो मतलब कि जिन्होंने ये यहाँ पे हंगामा किया था परीक्षार्थियों ने, उनको सुरक्षा कर्मियों ने हिरासत में ले लिया है। और उसके बाद में देखिए, यहाँ पे जो जिला प्रशासन है उसका क्या कहना है। देखिए, जो आरा के श्री जैन बाला विश्राम बालिका प्लस टू उच्च विद्यालय है, यहीं से जो है ये सामने आई है बात पेपर लीक होने की, इस सेंटर से। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए, जो डीएम है इन्होंने क्या कहा है कि क्या सच में पेपर लीक हुआ है। तो देखिए, इन्होंने कहा है कि परीक्षार्थियों से शांतिपूर्ण से परीक्षा देने व अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। इन्होंने बताया है कि जो है इस चीज़ का जो है मतलब कि अभी देखा जाएगा और इसकी पूरी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। यहाँ पे लीक होने के कोई चांसेस नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी जो है जांच पड़ताल की जाएगी। यहाँ पे देखिए, आपको बता दें जो बात कही गई है, जो मतलब कि डीएम है कौशल कुमार, इन्होंने कहा है कि मतलब कि कुछ भी अगर ऐसा होता है, ठीक है, तो वो उस चीज़ का ध्यान मतलब कि करेंगे, मुआयना करेंगे, उस चीज़ को देखेंगे, जो सीसीटीवी फुटेज वगैरह लग रहे हैं वहाँ से, और जो है उनको मतलब कि फिर उस आधार पर इसका डिसीजन लिया जाएगा। अभी तक यहाँ परीक्षा रद्द की कोई भी जानकारी नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, तो जैसे ही इसकी लेटेस्ट अपडेट यहाँ पर अपडेट होती है, क्या आगे होता है, क्या सच में कैंसिल होगा या नहीं होगा, पल पल की अपडेट्स आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिएगा, फिर घंटी बटन दबाइएगा, जिससे कि जैसे ही नई इससे रिलेटेड अपडेट होती है आपकी, आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो मिलते हैं जल्दी नई न्यूज़ के साथ। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। धन्यवाद।